मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है साल 1988 हरियाणा के एक छोटे से गांव बलाली में, जहां ढाबे पर एक आदमी रेसलिंग का मैच देखते हुए कहता है, जब देश अपने खिलाड़ी के लिए कुछ नहीं करेगा तो कैसे हमारे प्लेयर्स हमारे देश के लिए इंटरनेशनल गोल्ड मेडल ला पाएंगे। एक हट्टा कट्टा आदमी उसे कहता है कि बातें करना बहुत आसान है, अखाड़े में उतरने पर बड़े बड़ों की हवा टाइट हो जाती है। जिस पर वो आदमी कहता है कि लगता है आपकी कई दफा हवा टाइट हो चुकी है। वो हट्टा कट्टा आदमी कहता है, अखाड़ा होता तो तेरी कर देता। जिस पर वो अपनी शर्ट्स उतारकर मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो हट्टा कट्टा आदमी अटैक करता है, वो उसे उठाकर पीठ के बल नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि अगर दिल में कोई मलाल रह गया हो तो एक दफा दोबारा आ जा। जिसके बाद वो हट्टा कट्टा आदमी दोबारा उस पर बड़ी चलाकी से अटैक करता है, लेकिन वो आदमी उसे दोबारा घुमाकर पीठ के बल नीचे गिरा देता है। और तीसरे राउंड में भी ऐसा ही होता है। तीन दफा हारने के बाद वो उसे कहता है कि दम है तेरे में, तूने स्टेट लेवल चैंपियन को हराया है। जिस पर वो आदमी उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से हारा है तू। ये कहकर वो वहां से निकल लेते हैं। इनका नाम है महावीर सिंह फोगाट, जिनकी रगों में पहलवानी का खून दौड़ता है। और स्टोरी चले जाती है इनकी जवानी में, जहां पर ये नेशनल लेवल चैंपियनशिप का मुकाबला लड़ते हैं और वहां पर वो बड़े बड़े खिलाड़ियों को घुमा घुमा कर पीठ के बल नीचे गिराते हैं और इंडियन नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीतते हैं। महावीर सिंह का बाप उसे कहता है कि जब तेरे पास पैसे नहीं होंगे और खाने का रोटी नहीं होगी तो क्या तुम अपने मेडल्स खाओगे, पहलवानी छोड़ो और नौकरी करके पैसे कमाओ। स्टोरी वापस साल 1988 में आ जाती है, जहां पर वो हट्टा कट्टा आदमी महावीर से पूछता है कि तुमने पहलवानी क्यों छोड़ दी। जिस पर महावीर सिंह कहता है कि पहलवानी छोड़ी नहीं, छोड़नी पड़ी, मैंने पहलवानी में इज्जत कमाई, नाम कमाया, बस पैसे नहीं कमा सका और पैसे की खातिर मैंने नौकरी कर ली। महावीर सिंह अपने घर की उस दीवार को देख रहा होता है जिस पर उसका हर मेडल, हर कप और हर इनाम लगा होता है। उस दीवार पर सिर्फ एक इंटरनेशनल रेसलिंग के गोल्ड मेडल की कमी होती है कि महावीर सिंह की बीवी उससे कहती है कि क्यों इस दीवार को देखकर उदास होते रहते हो, आप देश के लिए मेडल नहीं ला सके, इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। जिस पर महावीर सिंह कहता है कि ठीक कहती है तू, लेकिन मेरा ये सपना अब हमारा बेटा पूरा करेगा। महावीर सिंह के घर पहले दो बेटियां पैदा होती हैं, जिसके बाद वो बहुत से पंडितों के प्रसाद और बहुत से बुजुर्गों की राय लेना शुरू कर देते हैं। और तीसरे बच्चे की दफा लड़का होने का क्रेडिट लेने के लिए पूरा गांव तैयार होता है, लेकिन तीसरी दफा भी लड़की ही होती है। महावीर सिंह की बीवी उससे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें लड़का नहीं दे सकी। जिस पर महावीर सिंह कहता है कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और वैसे भी हमारी तीनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। और चौथी दफा भी महावीर सिंह के घर बेटी ही होती है। वो अपनी दीवार से अपना हर कप, हर मेडल और अपना हर इनाम उतार कर एक बक्से के अंदर रखता है और उसे बंद कर देता है। अब महावीर सिंह हिम्मत हार चुके थे और पहलवानी से भी मुंह मोड़ चुके थे। एक दिन महावीर सिंह अपने काम से घर आते हैं और अपने पड़ोसियों को अपने घर में खड़ा हुआ देखते हैं और महावीर सिंह को पता चलता है कि उनकी दो बड़ी बेटियों ने उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारा है। खैर, वो अपने पड़ोसियों से माफी मांगते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। महावीर सिंह अपनी बड़ी बेटी गीता और छोटी बेटी बबीता से पूछता है कि तुम दोनों ने उन लड़कों को कैसे मारा था, और उन दोनों से वैसे ही अपने भतीजे ओमकार को मारने का कहते हैं जैसे उन्होंने उन दो लड़कों को मारा था। जब वो अपनी बेटियों को ओमकार को मारते हुए देखते हैं तो किसी कारण वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रात को वो सोते हुए अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं ये सोचकर रोता रहा कि अगर हमारा लड़का होता तो देश के लिए मेडल लेकर आता, लेकिन मेडल तो मेडल है, लड़का लाए या लड़की लाए, कल से इनका रोटी पकाना, झाड़ू पोंछा सब बंद, हमारी बेटियों में पहलवानों का खून है। अगली सुबह महावीर सिंह की बीवी उससे कहती है, अगर ये दोनों पहलवानी करती भी हैं तो इनसे शादी कौन करेगा। महावीर सिंह नहाते हुए कहता है कि मैं अपनी बेटियों को इस काबिल बनाऊंगा कि लड़के इनको नहीं बल्कि ये लड़कों को देखने जाएंगी। और रही बात पहलवानी की, तो हमारी लड़कियां लड़कों से कम है क्या। अगले दिन महावीर सिंह गीता और बबीता को सुबह सवेरे 5 बजे पानी पूरी वाले के पास ले जाता है और कहते हैं कि जितने गोलगप्पे खाने हैं आज खा लो, क्योंकि कल से तुम दोनों पहलवानों की जिंदगी जियोगी और गोलगप्पे, अचार और चटखारा जो तुम दोनों को पसंद है ना, वो सब का सब पहलवान नहीं खाते। जिसके बाद उन दोनों से जितना हो सकता है उतने गोलगप्पे खाती हैं। के बाद वो अपनी दोनों बेटियों को खुले मैदानों में दौड़ लगवाता है। गीता और बबीता बहुत ज्यादा थक जाती हैं और अपने बाप से कहती हैं कि सलवार कमीज में हमसे दौड़ा नहीं जाता, और अगले दिन उन दोनों को ट्राउजर और शर्ट पहना देता है। अब महावीर सिंह उनसे दौड़ भी लगवाता है, तरह तरह की एक्सरसाइज भी करवाता है और उनसे मजदूरी भी करवाता है। गीता बबीता अपनी माँ से कहती है कि तू जो कहेगी हम वो करेंगे, बस इस पहलवानी से छुटकारा दिला दे। महावीर सिंह की बीवी उससे कहती है कि तुम ऐसा मत करो, ये गलत है। जिस पर महावीर सिंह कहता है कि तू सिर्फ एक साल के लिए अपने दिल पर पत्थर रख ले, अगर बात ना बनी तो मैं पूरी जिंदगी के लिए अपने दिल पर पत्थर रख लूंगा। कुछ दिनों बाद महावीर सिंह अपने खेतों में अखाड़ा तैयार करता है और गीता बबीता को अखाड़े पे ले जाता है और उनसे कहता है कि यह है अखाड़े की मट्टी, तुम जितना इस मट्टी की इज्जत करोगी उतनी ही इज्जत तुम्हें इस मिट्टी से मिलेगी। महावीर सिंह उनको पहलवानी के दाव पेच सिखाता है, लेकिन गीता बबीता को पहलवानी सिखाने के लिए किसी तगड़े पहलवान की जरूरत थी, तो वो ओमकार को पहलवानी सिखाते हैं और गीता बबीता को पहलवानी सिखाने के लिए उससे लड़वाते हैं। गीता और बबीता ओमकार के सामने बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रही थी। उसी रात वो अपनी बेटियों के पांव दबाते हुए अपनी बीवी से कहते हैं कि कहने को तो मैं इनका बाप भी हूं और इनका गुरु भी हूं, लेकिन
जब मैं इनका बाप होता हूँ तब मैं इनका गुरु नहीं हो सकता और जब मैं इनका गुरु होता हूँ तब मैं इनका बाप नहीं हो सकता। महावीर सिंह अपनी बेटियों में जान लाने के लिए और प्रोटीन के लिए अपनी बेटियों को चिकन खिलाना शुरू कर देता है। वहीं महावीर सिंह के सारे पड़ोसी उसके बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। गीता बबीता की सख्त ट्रेनिंग कर करके अब तो चाल भी मर्दाना हो चुकी थी। एक रात गीता बबीता अपने बाप से कहती हैं कि हम अब और पहलवानी नहीं करना चाहते, जिस पर महावीर सिंह उनसे कारण पूछता है। गीता बबीता कहते हैं कि हमारी टांगों में सारा दिन दर्द रहता है, अखाड़े की मिट्टी पड़ पड़ के हमारे बाल बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, जिस पर महावीर सिंह कहता है कि इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अगली सुबह गीता बबीता अपने बाप के आगे हाथ जोड़ती हैं, यहाँ तक के भीख मांगती हैं कि आप जो कहोगे हम वो करेंगे लेकिन हमारे बाल मत कटवाओ, जिस पर महावीर सिंह कहता है कि जो चीज तुम्हारा पहलवानी से ध्यान हटाएगी मैं उस चीज को हटा दूंगा। और फिर महावीर सिंह अपनी दोनों बेटियों के बाल कटवा देता है। और अगले दिन गीता बबीता जब अपने स्कूल जाती हैं तो सारा मोहल्ला उन पर हंसता है और उनके स्कूल के बच्चे भी उनका मजाक उड़ाते हैं। उसी शाम गीता बबीता अपने आप को देखते हुए कहती हैं कि बस बहुत होगी पहलवानी, अब होगा दंगल। जिसके बाद अगली सुबह गीता बबीता अपने बाप के कमरे में जाती हैं और घड़ी के बजने का टाइम आगे कर देती हैं। और जब महावीर सिंह उठकर बाहर जाता है तो गीता बबीता बहुत ज्यादा थका होने का दिखावा करते हुए कहती हैं कि पापा हमारी तो एक्सरसाइज हो गई। पानी के छींटे फेंककर अखाड़े का बल्ब खराब कर देती हैं और चोट लग जाने का बहाना करती हैं और लड़ने से पहले ही हार जाती हैं, जिस पर महावीर सिंह को गीता बबीता को गुस्से में मारने का दिल करता है लेकिन दोनों हाथ खुले होने के बावजूद उनके दोनों हाथ बंधे होते हैं। एक दिन गीता बबीता अपनी ट्रेनिंग को छोड़कर अपनी दोस्त की शादी में चली जाती हैं, लेकिन जब महावीर सिंह उनको शादी में नाचते हुए देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और नाराज होकर घर चला जाता है। गीता बबीता अपनी दोस्त से रोते हुए कहती हैं कि हमारा बाप हमसे मेहनत मजदूरी करवाता है, वर्जिश करवाता है और अगर कुछ बोलो तो सर मुंडवा देता है, जिस पर उनकी दोस्त कहती है काश मेरा बाप तुम्हारे जैसा होता। अरे जब भी किसी के घर कोई बेटी पैदा होती है ना तो सिखा दो उसको रोटी पकाना और झाड़ू पोंछा, और जैसे वो 14-15 साल की हो उसकी शादी ऐसे लड़के से करा दो जिसको उसने देखा तक भी नहीं और छुड़ा दो पीछा। अरे कम से कम तुम्हारा बाप तुम्हारे बारे में सोचता तो है, वो चाहता है कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर सको, कुछ बन सको। ये सुनने के बाद गीता बबीता बहुत गहरी सोच में पड़ जाती हैं। अगले दिन महावीर सिंह दोबारा देर से उठता है और घर में ना मिलने पर जब वो अखाड़े में जाता है वो देखता है कि गीता बबीता अपनी ट्रेनिंग करने अखाड़े में खुद पहुंच चुकी हैं। जिसके बाद अखाड़ा हो या क्लासरूम, गीता बबीता दिलो जान से ट्रेनिंग करती हैं, अखाड़े की मिट्टी को खुद तैयार करती हैं और अब वो दोनों ओमकार को उठा उठा के फेंकती हैं। महावीर सिंह गीता को पहलवान से दंगल लड़वाने ले जाता है और अब पूरे शहर में एक लड़की और एक लड़के के दंगल का ऐलान हो रहा होता है। गीता अपना पहला दंगल लड़ने के लिए तैयार होती है, वहीं दूसरी तरफ लोग भी गीता के दंगल का मजा लेने के लिए तैयार होते हैं। रेफरी गीता से कहता है कि तूने जिससे मैच लड़ना है उससे हाथ मिला ले, और गीता उन चारों में से सबसे तगड़े वाले से हाथ मिलाती है। रेफरी उस लड़के से कहता है कि लड़की है देख के खेलना, जिस पर गीता उस लड़के से कहती है कि बस लड़की समझ के मत खेलना। दंगल शुरू होते ही गीता उस लड़के पर भारी साबित होती है, गीता उस लड़के को पेट के बल नीचे भी गिरा देती है और हालात ऐसे आ जाते हैं कि देखने वाले लोग उस लड़के से कहते हैं कि इस लड़की से न हारी इज्जत का मामला है। दंगल बहुत लंबा चलता है लेकिन गीता मैच हार जाती है। जीतने वाले लड़के को 20 रुपए इनाम में मिलते हैं जबकि गीता को मैच की कमेटी के सबसे बड़े मेंबर की तरफ से 50 रुपए मिलते हैं। गीता मैच ना जीतने पर अपने बाप से सॉरी बोलती है और उन्हें वो 50 रुपए देती है। और उसी रात गीता अपने बाप से कहती है कि अगला दंगल कब लड़ने जाना है। अब गीता के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था और उसे देखने के लिए हजारों लोग खड़े होते थे। गीता का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके सामने कितना लंबा चौड़ा पहलवान खड़ा है, वो हर किसी से डट के मुकाबला करती है और उनको गिरा देती, और सब लोगों में सबसे ज्यादा खुश उसका बाप होता था। हर मैच के बाद वापसी पे लोग गीता और बबीता के लिए खड़े होकर तालियां बजाते और बड़े बड़े लोग उसको ट्रॉफी देते और इज्जत भी देते। महावीर सिंह ने अपनी बेटियों के हर जीते हुए पैसे को एक किताब के अंदर लगाना शुरू कर दिया और एक एल्बम बना दी। अखाड़ों के मालिक गीता और बबीता को दंगल लड़ने ही नहीं देते थे क्योंकि उनका कोई भी खिलाड़ी अब उनसे दंगल लड़ना ही नहीं चाहता था। गीता बबीता सिर्फ ट्रॉफीज और पैसे ही नहीं जीत रही थी बल्कि वो पूरे गांव का और सब पहलवानों का भी दिल जीत चुकी थी। वो दीवार जिस पर कभी महावीर सिंह की ट्रॉफीज और इनाम होते थे अब वो गीता और बबीता की ट्रॉफीज और इनामों से भर चुका था। महावीर सिंह स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास जाता है और उनसे थोड़े से पैसों के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बहानेबाजी करता है और उसे मना कर देता है, जिसके बाद महावीर सिंह को खुद जुगाड़ करना पड़ता है। वो गीता बबीता को बताता है कि हर दांव के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पेट के बल गिराने का 1 पॉइंट और लेटे हुए को घुमा देने के 2 पॉइंट्स, पीछे से आगे की तरफ पीठ के बल गिराने के 3 पॉइंट्स और अपने आगे से घुमाकर पीठ के बल अपने पीछे गिराने के 5 पॉइंट्स। और असली रेसलिंग अखाड़े की मिट्टी में नहीं बल्कि मैट पर लड़ी जाती है। जब गीता सब जूनियर नेशनल रेसलिंग लड़ने जाती है तो वहाँ पर सभी बच्चियों में गीता का वजन सबसे कम होता है क्योंकि गीता ने बड़े बड़े लोंडों को उठा उठा कर गिराया था, तो ये लड़कियां उसके आगे कैसे टिकने वाली थी। और उसके बाद जूनियर नेशनल मैच होता है, गीता वो मैच भी आसानी से जीत जाती है। अब गीता पूरी पहलवान बन चुकी थी। समय इतनी तेजी से गुजरता
होता है कि गीता जूनियर से सीनियर हो जाती है और महावीर सिंह सीनियर से सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। अब गीता का नेशनल लेवल चैंपियनशिप का मुकाबला होता है, लेकिन क्योंकि गीता बहुत कमाल की पहलवान बन चुकी होती है, गीता वो मैच भी जीत जाती है और उसको नेशनल लेवल चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल मिल जाता है। वो लोग जो कभी गीता बबीता का मजाक उड़ाते थे, अब वो सभी लोग उनके गाँव में आने पर खुशियां मना रहे थे। गीता पूरे इंडिया की रेसलिंग चैंपियन बन चुकी थी। उसी दीवार पर जिस दीवार पर कभी उनकी ट्रॉफीज और गोल्ड मेडल हुआ करते थे, अब गीता का नेशनल लेवल चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल लटकाते हैं और गीता से कहते हैं कि बेटा हर साल कोई ना कोई नेशनल लेवल चैंपियन बनता है, मेरा सपना तब पूरा होगा जब तू इंटरनेशनल रेसलिंग जीतकर अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगी। के बाद गीता अपने बाप के साथ इंटरनेशनल रेसलिंग की तैयारी के लिए और उसमें जाने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी यानी कि NSA में एडमिशन लेने के लिए पटियाला जाते हैं। एडमिशन होने के बाद वहां पर गीता को नया कोच मिलता है और वो गीता के साथ साथ सभी लड़कियों को कहता है कि कुछ भी सीखने से पहले तुम लोगों को वो सब भूलना होगा जो तुम लोगों ने पहले सीख रखा है। अब तुम लोगों ने इंटरनेशनल रेसलिंग की तैयारी करनी है तो उसमें नेशनल रेसलिंग के दाव पेच काम नहीं आएंगे। महावीर सिंह गीता के कोच से मिलता है, उन्हें अपना नाम बताता है और उनसे कहता है कि गीता की अच्छी ट्रेनिंग करवाइएगा, जिस पर वो कोच चिल्लाते हुए गीता को बुलाता है और उसकी गलती निकालता है और फिर वो महावीर से कहता है कि आप यहां पर गीता को छोड़ने आए थे, आपने छोड़ दिया, अब बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। यहां से अब असल कहानी शुरू होती है। अब गीता के ऊपर पाबंदी लगाने वाला, रोकने वाला, सख्ती करने वाला कोई भी नहीं था। गीता वहां पर नए दोस्त बनाती है, अखाड़े की जगह जिम जाती है, बाहर घूमना शुरू कर देती है और वो चीज जिससे उसके बाप ने उसे मना किया था वो भी खा लेती है। वहीं दूसरी तरफ बबीता गोलगप्पे सामने पड़े होने पर भी ना कर देती है। गीता अपनी दोस्तों के साथ पार्टीज करती है और अपने बाल भी लंबे कर लेती है। महावीर सिंह जब भी अपनी बेटी को कॉल करता है तो वो ज्यादा बात भी नहीं करती, लेकिन उसकी ट्रेनिंग भी साथ साथ चलती रहती है और दूसरी तरफ बबीता की भी ट्रेनिंग चल रही होती है। जब गीता अपने घर जाती है तो महावीर सिंह अपनी बेटी को बाल लंबे करने पर कुछ नहीं कहता, बल्कि कहता है कि लंबे बाल तुझ पर अच्छे लग रहे हैं। अगले दिन अखाड़े में गीता बबीता को इंटरनेशनल रेसलिंग के दाव पेच सिखा रही होती है। जब उसका बाप उससे पूछता है तो वो कहती है कि मैंने सोचा कि कुछ ही दिनों बाद ये नेशनल लेवल चैंपियनशिप लड़ेगी तो इसको थोड़े इंटरनेशनल रेसलिंग के दाव पेच सिखा दूं। जिस पर महावीर सिंह कहता है कि तू उसको छोड़, तू मुझे सिखा। जब गीता अपने बाप को सिखाने लगती है तो महावीर सिंह उसके दाव के दरमियान में उसे उठाकर जमीन पर जोर से पटक देता है और उसे गुस्से से कहता है कि ये सिखाया तुझे तेरे कोच साहब ने। जिस पर गीता कहती है कि मैं रेडी नहीं थी पापा, और महावीर सिंह कहता है कि चल रेडी हो ले। जब मुकाबला शुरू होता है तो दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन गीता ऐसे मुकाबला लड़ती है कि मानो जैसे वो भूल गई हो कि जिससे उसका मुकाबला हो रहा है वो उसका बाप है। और क्योंकि महावीर सिंह बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है वो मैच के स्टार्ट में ही थक जाता है और काफी लंबी लड़ाई के बाद गीता अपने बाप को हरा भी देती है। जब गीता वापस जाने के लिए अपना बैग पैक कर रही होती है कि बबीता कहती है कि तू आज उस शेर से लड़ी है जो बूढ़ा हो चुका है और अपनी बीमारियों से लड़ रहा है। गीता अपने बाप से मिले बगैर ही चल पड़ती है। महावीर सिंह के चेहरे से अब खुशी जा चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद बबीता का नेशनल मुकाबला होता है जिसमें उसके साथ उसका बाप होता है और गीता का सिडनी में इंटरनेशनल मुकाबला होता है और उसके साथ उसका कोच होता है। गीता अपनी पहली इंटरनेशनल रेसलिंग को पहले मुकाबले में ही हार जाती है। वहीं दूसरी तरफ बबीता इंटरनेशनल मुकाबला जीत जाती है और गोल्ड मेडल लेकर आती है। अब उस दीवार पर ऑल इंडियन नेशनल रेसलिंग के दो गोल्ड मेडल हो चुके थे, लेकिन महावीर सिंह का दिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब गीता के साथ बबीता भी पटियाला चले जाती है। बबीता गीता को बहुत दफा कहती है कि तुम पापा से एक दफा बात कर लो, जिस पर गीता सही तरह जवाब नहीं देती और बात को घुमाना शुरू कर देती है। गीता का दोबारा जब इंटरनेशनल मुकाबला होता है तो गीता फिर से पहले ही मुकाबले में हार जाती है। गीता का कोच उससे कहता है कि तू बहुत अच्छा लड़ रही है, तू गोल्ड मेडल नहीं ला पाई, इसमें तेरी गलती नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ लोग नहीं बने होते इंटरनेशनल रेसलिंग के लिए। जब गीता यही बात बबीता को बताती है तो बबीता कहती है कि देख, मैं नहीं जानती कि इंडिया में कौन सी लड़की इंटरनेशनल के लिए बनी है और कौन सी इंटरनेशनल के लिए नहीं बनी। मैं बस इतना जानती हूँ कि तूने बड़े बड़े पहलवानों को अखाड़े की धूल चटाई है और इंटरनेशनल से पहले वजन कम होते हुए भी तूने हर लड़की को हराया है, और अब मेरे कहने पर सिर्फ एक दफा पापा से बात कर ले। जब गीता अपने बाप को कॉल करती है तब गीता रोते हुए सिसकियां लेते हुए अपने पापा से कहती है सॉरी पापा, जिस पर महावीर सिंह भी अपनी बेटी के लिए रोने लगता है और अगले दिन गीता अपने बाल काट लेती है। गीता का कोच अपनी सभी लड़कियों से कहता है कि इस दफा 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मुझे तुम लोगों से 3 मेडल चाहिए, और वो गीता से कहते हैं कि इन 3 में से मुझे 1 मेडल तेरे से चाहिए, ब्रॉन्ज या सिल्वर जो सा मर्जी हो। और वो कहते हैं कि तू 55 किलो की गेम नहीं जीतने वाली, तो अब तू 51 किलो की गेम में हिस्सा लेगी। जब गीता ये सब अपने बाप को बताती है तो महावीर सिंह कहते हैं कि तू 55 किलो में खेलेगी, मैं कल ही पटियाला आ रहा हूँ। और अगले दिन वो ओमकार के साथ पटियाला पहुंच जाते हैं। जब महावीर सिंह अपनी बेटी गीता से मिलने जाता है तो गीता को देखकर वो कुछ कहे बगैर सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। महावीर सिंह गीता बबीता की सारी बात सुनते हैं और गीता बबीता से कहते हैं कि सुबह 5 बजे तैयार रहना, जिसके बाद हर रोज गीता बबीता अपने हॉस्टल की पीछे की दीवार से छलांग लगाती और ओमकार उनको लेने के लिए खड़ा होता। अब गीता बबीता की अपने पापा के साथ ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी, वहीं उनके कोच के साथ भी उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। जहां गीता 51 केजी का खाना खा रही थी, वहीं गीता का बाप गीता को 55 किलो का खाना दे रहा था।
कुछ ही दिनों बाद जब गीता का कोच देखता है कि गीता का वेट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, तो वो उनके पापा को बुलाकर गीता और बबीता के बारे में ट्रेनिंग रखवा देते हैं। जब एनएसए के प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं कि तुमने क्या गलती की है, तब महावीर सिंह हाथ जोड़कर कहता है कि सर इनकी कोई गलती नहीं है, बस इनका बाप पागल है। वो देश को गोल्ड मेडल दिलाने के लिए इतना पागल हो चुका है कि उसने अपनी छोटी सी बच्चियों के हाथों से गुड्डे गुड़ियां छीनकर उनको अखाड़े की मिट्टी पकड़ा दी। फिर वो उन्हें वो एल्बम दिखाते हैं जिसमें गीता बबीता के सारे जीते हुए पैसे लगे होते हैं, और फिर वो उनसे रोते हुए कहते हैं कि बहुत लंबा सफर तय किया मेरी इन दोनों बेटियों ने, अब प्लीज इनको वापस जाने का मत कहिएगा। जिस पर वो उन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का कहते हैं। बाहर वो कोच महावीर से कहता है कि गीता 55 किलो में बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगी। जिस पर महावीर सिंह कहता है कि मैं चाहूं तो तुझे अभी बता दूं कि 55 किलो में कैसे कुश्ती लड़ी जाती है। कमेटी के चेयरमैन महावीर सिंह से कहते हैं कि हम इनको एक मौका दे रहे हैं, लेकिन अब आप एनएसए में ना आ सकते हैं और ना गीता बबीता एनएसए से बाहर जा सकती हैं। दिन महावीर सिंह गीता से कहता है कि मुझे अपने सारे इंटरनेशनल मुकाबलों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भेजो। वो उन सभी रिकॉर्डिंग्स को एक छोटे सिनेमा में प्ले करते हैं और हर वो टाइम जिस पर गीता ने गलती की है वो टाइम और वो गलती लिख लेते हैं। गीता बबीता अपने पापा से बात करते हुए गीता के सभी इंटरनेशनल मैचेस की रिकॉर्डिंग देखती हैं, और महावीर सिंह अपनी दोनों बेटियों को बताता है कि किस टाइम पर कहां और क्या गलती हुई है। एनएसए में इंटरनेशनल रेसलिंग के लिए 55 किलो कैटेगरी के खिलाड़ी के लिए ट्रायल्स होते हैं, और इस चुनाव में गीता फर्स्ट आती है। ताकि इंटरनेशनल रेसलिंग में दूसरी दफा हारने के 6 महीने बाद 2010 में इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं। मैच से पहले गीता काफी नर्वस होती है क्योंकि गीता के पास इंटरनेशनल रेसलिंग में गोल्ड जीतने का ये आखिरी मौका था, और अब इंडिया की गीता फोगाट का मुकाबला वेल्स की मेलिसा एंडरसन से होता है। जैसे ही पहला राउंड स्टार्ट होता है मेलिसा गीता पर भारी पड़ जाती है और वह पहला राउंड जीत जाती है, और दूसरा राउंड भी गीता हारने ही वाली होती है कि गीता का कोच उसे कहता है कि डिफेंस करके खेल, और गीता का बाप जोर से कहता है कि अटैक करके खेल, और गीता अपने बाप के कहने पर अटैक करती है और 5 पॉइंट्स लेकर जीत जाती है। और थोड़ी देर में गीता इंटरनेशनल रेसलिंग का पहला राउंड जीत जाती है। गीता का बाप खड़ा होकर उसके लिए तालियां बजाता है। गीता का कोच गीता से कहता है कल अगर तूने अटैक करके ना खेला तो हम दूसरा राउंड हार जाएंगे। लेकिन उस कोच से पहले महावीर सिंह ने गीता को बोला था उसकी मेन स्ट्रेटेजी है अटैक करके खेलना, तूने डिफेंस करके खेलना है। अगले दिन गीता का मुकाबला नाइजीरिया की नायोमी से होता है। जैसे ही मुकाबला स्टार्ट होता है गीता डिफेंस करके खेलती है, लेकिन वो पहला राउंड हार जाती है। जैसे ही दूसरा राउंड स्टार्ट होता है नायोमी गीता की उंगलियां मरोड़ती है और रेफरी उसे वार्निंग देता है। दूसरे राउंड में पहले तो गीता हार रही होती है लेकिन किसी न किसी तरीके से जीत जाती है। एक राउंड नायोमी जीती है जिस पर एक फैसला करने वाला राउंड आता है। कोच एक कॉइन उछालता है, अगर रेड आया तो नायोमी पहले अटैक करेगी, अगर ब्लू आया तो गीता पहले अटैक करेगी, और कॉइन में रेड आता है। ये देखकर नायोमी में कॉन्फिडेंस आ जाता है। नायोमी अटैक करने के लिए गीता की रेड लेग चूज करती है और गीता डिफेंस करती है। नायोमी पॉइंट्स लेने के लिए गीता को हवा में उठा लेती है, लेकिन नीचे आने पर गीता घूम कर उसको पेट के बल नीचे गिरा देती है और मैच जीत जाती है। गीता इंटरनेशनल का दूसरा राउंड जीतकर बहुत ज्यादा खुश होती है। जब प्रेस गीता से गीता के पूरा गेम के बदल जाने का कारण पूछती है तो गीता कहते है कि इसका सारा क्रेडिट मेरे पापा को जाता है, उन्होंने कभी मुझ पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। गीता का अगला मुकाबला जिस लड़की से होता है वो गीता को पहले 2 दफा हरा चुकी होती है। वो प्रेस से कहती है कि बहुत मजा आएगा उससे कल लड़ने में नहीं बल्कि उसे इंडिया में ही पूरे इंडिया के सामने हराने में। जब गीता अपने पापा से कल की स्ट्रेटेजी पूछती है तो वो कहते हैं कि बेटा कल की स्ट्रेटेजी यही है कि बस गोल्ड मेडल जीतना है, अगर तू कल सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल तुझे लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर तू इंटरनेशनल का गोल्ड मेडल जीती तो लोग तेरी मिसालें देंगे। और बेटा मिसालें दी जाती हैं, भूली नहीं जाती, और कल तेरी लड़ाई सिर्फ उस लड़की से ही नहीं है बल्कि उन सब लोगों से है जो समझते हैं कि लड़कियों के बस का कुछ भी नहीं है। पूरे इंडिया से लाखों की तादाद में लोग गीता का इंटरनेशनल रेसलिंग का मैच देखने के लिए आते हैं। जब महावीर सिंह मैच देखने के लिए जा रहा होता है तभी उनको एक आदमी रोक के कहता है कि आपको स्पोर्ट्स के चेयरमैन ने बुलाया है, गीता के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो उसे दूर ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ गीता अपने मैच के लिए निकल पड़ती है। महावीर सिंह को गीता के कोच ने बंद करवाया था क्योंकि उसको ये बर्दाश्त नहीं होता था कि उसकी जगह गीता को कोई और ऑर्डर दे। जब गीता पीछे देखती है तो उसे अपने पापा नहीं नजर आते। महावीर सिंह उस कमरे के दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं और उस कमरे में नेटवर्क के सिग्नल भी नहीं आ रहे होते। इंटरनेशनल रेसलिंग का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की एंजेलिना वाटसन से होता है। पहले राउंड में गीता उसे उठा उठा कर फेंकती है और पहला राउंड जीतकर उसका घमंड तोड़ देती है। दूसरे राउंड में एंजेलिना बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो गीता पर भारी भी पड़ती है। गीता उससे दूसरा राउंड हार जाती है और तीसरा राउंड भी हारने ही वाली होती है। अब गीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके साथ साथ पूरे इंडिया की औरतें भी परेशान होती हैं। वहीं महावीर सिंह उस कमरे में बैठकर अपनी बेटी के लिए रोते हुए दुआ कर रहा होता है। गीता को याद आता है कि जब उसके बाप ने उसे गहरे और ठंडे पानी में गिराया था तो उन्होंने बोला था कि मैं तुझे तैरना सिखा सकता हूँ लेकिन तैरना तुझे खुद है, और मैं तुझे पहलवानी सिखा सकता हूँ लेकिन लड़ना तुझे खुद है। फाइनल मैच के तीसरे राउंड में सिर्फ 22 सेकंड का वक्त रह जाता है। गीता एंजेलिना को नीचे गिराकर 1 पॉइंट स्कोर कर लेती है।
है और अब एंजेलिना का स्कोर 5 होता है और गीता का स्कोर 1 होता है और अब पीछे 12 सेकंड का वक्त होता है। गीता को उसके बाप ने एक बहुत ही कमाल की ट्रिक सिखाई थी। गीता एंजेलिना की लेफ्ट लेग की तरफ जाती है और उसी वक्त वो एंजेलिना की राइट लेग को पकड़ लेती है और उसी वक्त वो घूम कर उसे पकड़ लेती है और उसे अपने आगे से पकड़कर ऊपर की तरफ से घुमाकर अपने पीछे की तरफ पीठ के बल सिर्फ 1 सेकंड से पहले गिरा देती है और इस तरह गीता 6 पॉइंट स्कोर कर लेती है और फाइनल मैच जीत जाती है। गीता को इंटरनेशनल रेसलिंग का गोल्ड मेडल मिलता है और इस दफा इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर होता है। जब महावीर सिंह को इंडिया का नेशनल एंथम सुनाई देता है तो वो खुशी से रोने लगते हैं कि उसी वक्त एक आदमी दरवाजा खोल देता है। महावीर सिंह भागते हुए स्टेडियम में जाता है और जैसे गीता अपने बाप को देखती है वो अपने कोच को छोड़कर अपने बाप के पास चले जाती है। गीता अपने बाप को इंटरनेशनल रेसलिंग का गोल्ड मेडल देती है और उसको देखकर महावीर सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। महावीर सिंह वो मेडल अपनी बेटी को पहनाता है और अपनी बेटी को वो कहता है जो गीता और बबीता पिछले 10 साल से सुनने के लिए तरस गई थी, शाबाश बेटा, और वो अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेते हैं और इस तरह मूवी का एंड होता है। जब गीता ने 2010 में 55 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था तभी बबीता ने 51 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था और 2012 में गीता ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली इंडिया की सबसे पहली वुमेन रेसलर बनी। साल 2016 में गीता और बबीता ने इंटरनेशनल रेसलिंग में 29 मेडल जीत लिए हुए थे और अब तो बात बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। महावीर सिंह फोगट ने अपनी बेटियों में जो थोड़ी सी आग लगाई थी अब वो एक भड़कता हुआ शोला बन चुकी है जिसकी वजह से अब पूरे इंडिया से हजारों लड़कियां इंटरनेशनल रेसलिंग में जा चुकी हैं।